तो हमारे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जो कांवड़ यात्रा चलती है वो सकुशल हर बार संपन्न हो रही है, और उसके लिए आज के कार्यकाल में जो हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, जो 30 तारीख को जिलाभिषेक है मान महाभोलेनाथ पर, उस पर जो है शासन प्रशासन ने बड़ी ईमानदारी के साथ बड़ी मेहनत के साथ तैयारी की है, और उनको बधाई कि उन्होंने बड़े मुस्तैदी तरीके से जो है कांवड़ मेले को संपन्न करने की ओर ले जा रहे हैं। और इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा जो लगभग 4-5 करोड़ जनता और शिव भक्त कांवड़िया आ रहे हैं, उनके लिए जो इंतजाम किए गए हैं उनके लिए बहुत ही सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई हैं। और माननीय जिलाधिकारी महोदय और हमारे माननीय SSP खंडूरी जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। जो उनका नीचे का स्टाफ है, DSP इंस्पेक्टर, दीवान, सब इंस्पेक्टर, कोतवाल जितने भी हैं, उन सब ने बड़ी मुस्तैदी के साथ में इसमें अपनी ड्यूटी निभाई है। और ये एक महान पर्व आता है कि जिसमें महाशिवरात्रि पर जिलाभिषेक होता है, और हमारे जितने भी इधर क्षेत्र के बड़े बड़े शिवालय हैं, जो पुराने शिवालय हैं, उनमें अधिकतर यहाँ के जो कांवड़ भक्त हैं, हमारे शिव भक्त हैं, वे उसमें जलाभिषेक करते हैं। और इसे बहुत बड़ी एक भावनाएँ जुड़ी हुई हैं भगवान भोलेनाथ के लिए तमाम आम जनता की, और उसको देखते हुए सभी जाति धर्मों के लोगों ने इसमें सहयोग किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर लोगों ने अपनी ओर से जो है कांवड़ियों को सुविधाएँ देने के लिए, किसी ने भोजनालय लगाया, किसी ने पानी का जलाशय का लगाया, किसी ने जो है उनके लिए दवाई और कैंप लगाए। तो बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि होती है पूरे भारतवर्ष के अंदर ये। और इस पर जो है हमारे रुड़की नगर के अंदर से जो मुख्य केंद्र है, इस रुड़की नगर को मुख्य केंद्र मानते हुए जो कांवड़िया सेंटर पर यहाँ पर आकर उठते हैं, ये पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक केंद्र, मुख्य केंद्र रुड़की बनता है। और इसके लिए यहाँ की जनता भी बधाई की पात्र है जो इतनी परेशानी और दिक्कत झेलती है, और अपने जरूरी काम भी वो बीच में लंबित कर लेती है, लेकिन कांवड़ियों को दिक्कत परेशानी नहीं आने देती।